मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। RCMP ने चीन से रवाबित रखने वाली कंपनी के साथ खरीदारी का मुआहदा मौतल कर दिया। कैनेडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का कहना है कि किसी भी खतरे को कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, मुआहदे के तरीक़ेकार पर भी नज़रसानी कर रहे हैं। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो की सूबाई मुकन्नना ने कानून साजी मंजूर कर ली। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी का कहना है कि वो इख्तियारात को महदूद और जिम्मेदाराना अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। ओटावा के मेयर मार्क सुटक्लिफ ने कहा है कि वो इनके इस्तेमाल में दिलचस्पी नहीं रखते। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द रहने का इम्कान। हफ्ते की रात से शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला इतवार के रोज़ भी जारी रहेगा। वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जे हरारत -3°C तक जाने की तवक्को। बरतानिया में तारीख की शदीद तरीन सर्दी की पेशगोई, अलर्ट जारी। शदीद सर्दी और बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर, पारा नुक्ता अंजुमन से 10 डिग्री नीचे जाने का इम्कान। रूस अमरीका कैदियों का तबादला, अमरीकी खिलाड़ी के बदले रूसी असला डीलर रहा। कैदियों का तबादला गुज़िश्ता 8 माह के दौरान दूसरी बार हुआ। व्हाइट हाउस का कहना है कि पेशरफ्त सिर्फ मॉस्को और वाशिंगटन बातचीत का नतीजा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. RCMP ने चीन से रवाबित रखने वाली कंपनी के साथ खरीदारी का मुआहदा मौतल कर दिया है। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। RCMP ने चीन से रवाबित रखने वाली कंपनी के साथ खरीदारी का मुआहदा मौतल कर दिया है। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी के वजीर मार्को मेंडिचिनो ने जुमेरात को तस्दीक की कि RCMP ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आलात के लिए सिंक्लियर टेक्नोलॉजीज़ के साथ मुआहदा मौतल कर दिया है। सिंक्लियर की पेरेंट कमेटी नॉर्सेट इंटरनेशनल 2017 से चीनी टेली कम्युनिकेशन फर्म हाइट्रा की मिल्कियत है। चीनी हुकूमत एक सरमायाकारी फंड के जरिए हाइट्रा के तकरीबन 10% की मिल्कियत रखती है। मेंडिचिनो का कहना था कि RCMP ने किसी भी खतरे को कम करने के लिए सिंक्लियर के साथ मुआहदा मौतल कर दिया है और वो दोनों इस तरीक़ेकार पर नज़रसानी कर रहे हैं जिसमें ये मुआहदा किया गया था। RCMP के तर्जुमान ने पहले रेडियो कैनेडा को बताया था कि ओंटेरियो और सैस्कीचुआन में RF सिस्टम की तंसीब का काम शुरू हो चुका है। मेंडिचिनो ने सवाल का बराह रास्त जवाब नहीं दिया कि आया इस सामान को जो जुज़वी तौर पर RCMP के रेडियो मवासलात को महफूज बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है हटा दिया जाएगा। मेंडिचिनो का कहना था कि ये बिल्कुल वही है जो मैंने RCMP को बहुत एहतियात से जांचने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे इशारा किया है कि ये RCMP है जिसने ये सामान नष्ट किया है, लिहाजा जब सामान हासिल कर लिया गया तो उस पर एक हद तक कंट्रोल किया गया। ताहम इसके बावजूद दोहरी जांच पड़ताल कर रहे हैं इस बात का यकीन रखते हुए कि वो किसी भी मुमकिन बकाया खतरात के खिलाफ काम कर रहे हैं। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो की सूबाई मुकन्नना ने कानून साजी मंजूर की है जो टोरंटो और ओटावा के मेयर को बाद जवाबित नाफिज करने की इजाज़त देता है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो की सूबाई मुकन्नना ने कानून साजी मंजूर की है जो टोरंटो और ओटावा के मेयर्स को बाज़ ज़वाबित नाफिज करने की इजाज़त देता है।
यहां तक कि अगर अकलियती काउंसलर्स हक में हो। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने कहा है कि वो अख्तियारात को महदूद और जिम्मेदाराना अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। ओटावा के मेयर मार्क सॉकलफ ने कहा है कि वो उनके इस्तेमाल में दिलचस्पी नहीं रखते। हाउसिंग से मुतालिक वसी पैमाने पर तनकीद की जाने वाली हरकतों के तूफान को ख़त्म करते हुए ताज़ा तरीन बिल सूबे को नयाग्रा, पील और यार्क में इलाकाई तकर्रियों की इजाज़त देता है और मेयर के नाम नहाद मजबूत इख्तियारात को बढ़ाता है जो हुकूमत ने इस साल के शुरू में टोरंटो और ऑटावा को दी थी। इख्तियारात के पहले सेट ने कायदीन को कौंसिल के फैसलों को वीटो करने की इजाज़त दी जो नए घरों की तामीर में रुकावट समझे जाते हैं। शहर के बजट की तैयारी और टेबल के साथ साथ महकमे के सरबराहों की खिदमात हासिल करने और बरतरफ करने के लिए नए इख्तियारात उन्हें हाउसिंग से मुतालिक बायलॉज तजवीज़ करने और एक तहाई काउंसलर्स की हिमायत से पास करने की इजाज़त देते हैं। ये बिल 2005 से कानून साजी को भी मंसूख करता है जिसने पकरिंग में जमीन के एक पसी हिस्से को सिर्फ फार्म से मुतालिका इस्तेमाल के लिए डिफेंस रोज एग्रीकल्चर प्रिजर्व कहा जाता है। अगरचे ये इलाका ग्रीन बेल्ट का एक हिस्सा बना हुआ है, सूबा इसे निकालने की तजवीज़ कर रहा है जिससे ये इलाका तरक्की के लिए खुल सकता है। कानून साजी एक और हाउसिंग कानून की पैरवी करती है जिसने म्यूनसिपलिटीज को नाराज किया क्योंकि ये डेवलपर्स की फीसों में कमी करता है जो वो नए घरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और माहिरीन माहौलियात को परेशान करते हैं जो कहते हैं कि इससे तहफ़ के हुक्काम का किरदार कमज़ोर होता है। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द रहने का इम्कान है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक शहरी इस वीकेंड पर धूप के मज़े भी ले सकेंगे जबकि शहर में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द रहने का इम्कान है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक शहरी इस वीकेंड पर धूप के मज़े भी ले सकेंगे जबकि शहर में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत -3 और ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। हफ्ते के रोज दिन के औकात में सूरज निकला रहेगा जबकि रात के औकात में शहर में बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान शहर का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। हफ्ते की रात से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला इतवार के रोज भी जारी रहेगा जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 3 और रात के औकात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बरतानवी महकमा मौसमियात ने बरतानिया में तारीख की शदीद तरीन सर्दी की पेशगोई कर दी और कहा पारा नुक्ता अंजुमन से 10 डिग्री नीचे जाने का इम्कान है। तफसीला जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी महकमा मौसमियात ने बरतानिया में तारीख की शदीद तरीन सर्दी की पेशगोई कर दी और कहा पारा नुक्ता अंजुमात से 10 डिग्री नीचे जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज से बर्फबारी की भी पेशगोई की और कहा है कि फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर होने का खदशा है। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी महकमा मौसमियात की जानिब से बरतानिया में तारीख की शदीद तरीन सर्दी की पेशगोई करते हुए कहा है कि साहिली और शुमाली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कई इलाकों में पारा -10 से भी नीचे जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया के बांस इलाकों में तवक्को से ज्यादा बर्फबारी और शदीद सर्दी ने कारोबारी जिंदगी को मुअत्तल कर दिया। कई मकामात पर गाड़ियां बर्फ में फंस गईं, बस सर्विसेज में भी खलल पड़ा। एबरडेन एयरपोर्ट पर कई परवाजें ताखीर का शिकार हुईं। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने अलर्ट जारी करते हुए शहरियों से अपील की है कि गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्द मौसम के तीसरे दर्जे का अलर्ट जारी कर दिया। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक शदीद सर्द मौसम शहरियों की सेहत पर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा जो लोग पूरे घर को गर्म नहीं कर सकते उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो कम अज़ कम अपने लिविंग रूम और बेडरूम का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें। बेडरूम में बिस्तर पर मजीद कंबलों का भी इस्तेमाल करके सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी रियासत अलास्का में 1999 के बाद रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फ पड़ी है। घर, गाड़ियाँ, सड़कें सब छुप गई हैं। रूस ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अमरीकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिंटी ग्राइनर को अमरीका में कैद रूसी साबिक असला डीलर विक्टर बोट के तबादले में रिहा कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अमरीकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिंटी ग्राइनर को अमरीका में कैद रूसी साबिक असला डीलर विक्टर बोट के तबादले में रिहा कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए बताया कि ब्रिटनी महफूज हैं, वो तैयारे में हैं और घर वापस आ रही हैं। अमरीकी कांग्रेस के अरकान, खिलाड़ियों और दीगर अफराद ने ब्रिटनी ग्राइनर की रिहाई पर खुशी का इजहार किया है। कैदियों का तबादला अबू जहबी एयरपोर्ट पर हुआ।
दोनों ममालिक के माबैन कैदियों का तबादला गुज़िश्ता 8 माह के दौरान दूसरी बार हुआ है। वाज़ह रहे कि रूस की यूक्रेन पर हमले के बाद से अमरीका के साथ कशीदगी भी जारी है। दूसरी जानब रूस ने कैदियों के तबादले की तस्दीक कर दी है। इस सिलसिले में रूसी वजारत खारजा ने एक बयान में विक्टर बोर्ड के पहुँचने की इतला दी है। आलमी मीडिया पर जारी वीडियोज़ में ग्रैनर को रूसी तैयारे से अबू धाबी के एयरपोर्ट पर उतरते हुए देखा जा सकता है, जहाँ अमरीकी हुक्काम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। दरियासा रूसी हुक्काम मौत के सौदागर के नाम से मशहूर विक्टर बोर्ड का इस्तकबाल कर रहे हैं। खबर रसा इदारों के मुताबिक सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात ने दावा किया है कि दोनों ममालिक के माबैन कैदियों का तबादला अमाराती सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों के बाद मुमकिन हुआ है। ताहम व्हाइट हाउस ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि ये रिहाई वाशिंगटन और मास्को के दरमियान बातचीत का नतीजा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जा ने कहा है कि अमरीकी बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रेटनी ग्राइनर की रिहाई सिर्फ रूस और अमरीका के दरमियान बातचीत से मुमकिन हुई। कैदियों के तबादले से मुतालिक मुज़ाकरात में सिर्फ अमरीका और रूस ही शामिल थे, इस मामले में किसी की सालिसी शामिल नहीं थी। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टैग टीवी।